कोई ने पूछा है कि बाबा ने कहा है किसी से मांगना नहीं है, तो क्या हमें हमारे लौकिक माता पिता से भी कुछ मांगना नहीं है? अच्छा लौकिक की बात छोड़ो, पारलौकिक अलौकिक से मांगना है, है? उनसे भी नहीं मांगना है तो लौकिक की तो बात ही पीछे छूट जाती। क्यों? पूर्व जन्म का हमारा प्रारब्ध होगा देने का तो हमें स्वतः ही मिलेगा। हमने पूर्व जन्म में किसी को दिया ही नहीं है तो हो सकता है इस जन्म में मांगने पर भी न मिले। इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, करो कमाओ और खाओ। परंतु कन्याओं को नौकरी नहीं करनी है, पेट के लिए माथा नहीं मारना है, कन्याओं की प्योरिटी की याद में बड़ी ताकत होती है, वो अपनी पवित्रता की पावर से याद में बैठ करके कोई भी संकल्प पर दृढ़ हो जाएं, तो संकल्प से ही विजय प्राप्त कर सकती है, मांगने की दरकार नहीं है। किसी का सेवा या पोता मेल लाना गलत है क्या? लाना गलत नहीं है लेकिन खोल के देखना गलत है। अगर भूल से भी उसने खुला हुआ लिफाफा दे दिया तो उसे खोल के देखना गलत है, और कहीं बंद ही दिया और तुमने फिर भी खोल दिया तो और ही दंड के बागी बनेंगे। आदि में दो माताएं थी, उनके लौकिक नाम क्या थे? जैसे ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम दादा लेखराज और मम्मा का नाम ओम राधे, ऐसे आदि की दो माताओं के नाम लौकिक क्या थे? दीदी दादियों को तो सब कुछ पता है, उनके नाम भी उनके पास हैं और उनके फोटो भी उनके पास हैं। थोड़ा पुरुषार्थ करो। राम वाली आत्मा ने शरीर छोड़ा, क्या खुद छोड़ा या छुड़वाया गया? खुद शरीर छोड़े तो देवताओं की लिस्ट में चला गया या मनुष्यों की लिस्ट में रहा? खुद शरीर छोड़ने की तो बात ही नहीं है कलयुग में। कलयुग में तो काल खाता है, स्वेच्छा से कोई शरीर नहीं छोड़ता। बाकी तो बाबा ने बता दिया, लाश भी गुम कर दिया।
तो शरीर छुड़वाया गया। त्रिमूर्ति थोड़ा क्लियर करो। अब जो पूछो सो बताएं, ये कथा कौन करे बैठ के? और बाबा एक काव्य तो वाणी में आया कि तुम्हें चार धाम की यात्रा करनी है। क्या? चार धाम की यात्रा करनी है। एक है बाबा का कमरा, दूसरा है बाबा का झोपड़ी, तीसरा है हिस्ट्री हॉल और चौथा है शांति स्तंभ। ये कौन सी मुरली में आया है? अव्यक्तवाणी। अव्यक्तवाणी में आया? अरे दीदी दादी दादाओं की वाणी में तो नहीं आया, तो लाओ अगली बार, तब फिर बताएंगे। 2004 से 6 के बीच में। 2004 और 6 के बीच में जो अव्यक्तवाणी चली उसमें बताया? अच्छा ठीक है, तो वो अव्यक्तवाणी उठा के लाना। बड़ी जल्दी विश्वास कर लिया? क्लेरिफिकाई बाबा रामबाली आत्मा की लौकिक माता जी ने 65 में शरीर छोड़ा और होम राधे मम्मा ने भी 65 में शरीर छोड़ा, ये दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? कनेक्शन तो जरूर है। लेकिन वो पहले से तो नहीं बताया जा सकता। तो पूरा ही राम रैंडा लिख दिया। बाबा बाबा कहने से पानी मिलता है। वर्तमान जन्म में कोई अपने 10 साल की उम्र में, कोई 20-25, कोई 45-50 साल की उम्र में एडवांस में बेसिक में आते हैं, बेसिक से एडवांस में आते हैं, इसका क्या आधार है? कोई किस उम्र में, कोई किस उम्र में आते हैं और पूर्व जन्म में यज्ञ में होने के बावजूद भी अभी 40-45 की उम्र में क्यों आते हैं? जल्दी क्यों नहीं आ जाते? बताओ भाई, है? है? क्या कारण हो सकता है? है? हिसाब किताब दूसरों के साथ चुकतू करना होता है तो दुनिया में रमते रहते हैं, फिर बाद में बाबा के पास आते हैं। ये भी बात सही है। जबकि अष्टदेवों के लिए ही कहा हुआ है, दो हजार चार पांच में, कि 10 साल के अंदर वाली आत्माएं हैं जो दोबारा एडवांस में आई हैं, मोस्टली। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भी इतना लंबा टाइम लगाती हैं, उन्हें तो और ही जल्दी आ जाना चाहिए था।
लेकिन यज्ञ के आदिकाल में भी शूटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? उस आदिकाल की शूटिंग में जिन्होंने बाप को धोखा दिया और कोई धोखा ऐसा होता है बहुत नजदीकी व्यक्ति होता है वो धोखा देता है और एक होता है बहुत दूर का होता है फिर धोखा देता है तो ज्यादा सजा का भागीदार कौन बनेगा? जो नजदीकी है उसको तो धोखा नहीं देना चाहिए। इसलिए वो अष्टदेव भले नजदीकी हैं, जन्म जन्मांतर के नजदीकी हैं, लेकिन फिर भी अंतिम जन्म में आकर माया उनको पछाड़ देती है, बाप को धोखा दे जाती है, इसलिए उनको लंबा टाइम लग जाता है बाप से मिलने में। और बाबा सौंकी माला तो 90% बन जाती है, 8 सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। है 8 सबसे ज्यादा नीचे ऊपर होते हैं तो सबको नीचे ऊपर कर देते हैं, बनते बनते फिर बिगड़ जाते हैं। तो जब से ज्ञान में आए बाप के संकल्पों के साथ ही संकल्प विरोध संकल्प नहीं होते हैं। बाप के विरोध संकल्प नहीं करते हैं। कौन नहीं करते? वाह, वो तो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। जिनमें ताकत ज्यादा होती है वो नीचे ऊपर ज्यादा होंगे, जिनमें ताकत कम है वो नीचे ऊपर ज्यादा होंगे। महारथियों से माया भी कैसे पेश आती है, महारथी बन करके पेश आती है। जितना बड़ा पुरुषार्थी उतना बड़ा माया का रूप। सत्यवान भाई कौन है? कब किया बट्ठे? है एक महीना हुआ। अब तो बाबा ने नया डायरेक्शन निकाल दिया, गीत गाना नहीं है, गीत सुनना भी नहीं है, तो गीत बनाना भी नहीं है। हाँ जी, अभी विनाश सामने खड़ा है, तो विनाश सामने खड़ा हो और कोई गीत बनाए और गाए और सुनाए तो लोग कहेंगे ये सब झूठ बोल रहा है। है? है? और चलो आज स्पेशल रेस्ट का टाइम है। एक है अरे गवर्नमेंट ने 1976 में अंधत्व निवारण कार्यक्रम शुरू किया और उसी वर्ष में बाबा की प्रत्यक्षता हुई। इसका बेहद में अर्थ क्या है? ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेरे में किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब अंधे हो जाते हैं, और सूर्य प्रगटता है तो सब सोजरे हो जाते हैं। तो 76 से पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में सोजरा था या अंधेरा था? है अंधेरा था। मम्मा बाबा को भी पता नहीं था। ज्ञान सूर्य कौन है? पृथ्वी माता कौन है?
चंद्रमा का पार्ट किसका है? सन 76 के बाद ये सब बातें खुद ब खुद खुलने लगी। जैसे सन 76 से पहले शिवरात्रि भी नहीं मनाई जाती थी, छुट्टी में सरकारी छुट्टी नहीं होती थी। तो जब बाप की प्रत्यक्षता हुई तो शिवरात्रि की भी छुट्टी होने लगी। सन 76 से पहले भारतीय गवर्नमेंट में जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, अर्थात सब अज्ञानता पार्टी में थे। पर जैसे ही गुजरात से, कहां से, गुजरात, जहां से ज्ञान अज्ञान की रात गुजर गई, जनता पार्टी का उद्भव हुआ। और एक बार को दिल्ली का तख्ता उलट दिया। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड बातें हैं। दशरथ की तीन रानियों के नाम क्या बताए? कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या किसका पार्ट है? और कैकेयी किसका पार्ट है? और सुमित्रा किसका पार्ट है? अब बाबा पार्ट खोलता है क्या? है क्यों? बाबा ने तो कहा ना बोर्ड पर लिखकर बताऊंगा, ना कागज पर लिखकर बताऊंगा, अपनी अपनी योग्यताओं से, अपनी अपनी चलन से, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्मों से, अपने पार्ट को अपने बोल से अपने आप ही प्रत्यक्ष करेंगे। ढाई हजार साल पहले इस्लामी आए, फिर 250 साल के बाद बौद्ध ही आए, फिर 250 साल के बाद क्राइस्ट आया, उसके 500 साल के बाद अर्थात 1500 साल के बाद सन्यासी आए, फिर उसके 100 साल के बाद मुस्लिम आए, फिर 900 साल के बाद सिख आए, इसका क्या राज है? ये अलग अलग समय का अंतर, ये टाइम का गैप क्यों हुआ? जो पहले तीन आए उनमें तो गैप बराबर रहा। कैसे?
देवी देवता सनातन धर्म के बाद 500 साल बाद देवी देवता सनातन धर्म के बाद इस्लामी के 500 साल के बाद बौद्ध के 500 साल के बाद क्राइस्ट। ये चार मुख्य धर्म हैं। इन चार मुख्य धर्मों के आने में 2 धर्मियों के हिसाब से तो कोई अंतर नहीं हुआ। सगर्मियों का तो राज्य ही 2500 साल चलता है, उसके बाद इस्लाम से लेकर के कन्वर्शन होने में मुस्लिम धर्म तक कितना लंबा टाइम हुआ। इब्राहिम के बाद बुद्ध के बाद क्राइस्ट 1000 साल और 500 वर्ष के बाद सन्यासी माने 1500 साल हुआ है और 100 साल और जोड़ दिए तो मोहम्मद आए तो कितने साल हुए है 1600 साल। 1600 साल लग गए इस्लाम धर्म को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होने में। हाँ जी 1400 साल नहीं, 1400 साल पहले तो मोहम्मद साहब आए थे अभी से 1400 साल पहले, लेकिन इस्लाम के कितने साल इब्राहिम के कितने वर्ष के बाद मोहम्मद का आगमन हुआ 1600 साल के बाद। पांच सौ साल तो बुद्ध को हो गए और 500 साल हुए क्राइस्ट को, कितने साल हुए है? हाँ 250 साल। 250 साल महात्मा बुद्ध को और उसके 250 साल क्राइस्ट को, 500 साल। हाँ 500 साल के बाद शंकराचार्य, फिर 500 साल के बाद शंकराचार्य आए 500 साल के बाद, तो टोटल हुआ 1500 साल। और उसके 100 साल के बाद क्राइस्ट आए, वो मोहम्मद आए, तो 1000 कहाँ हुआ? 250 और 500 के बाद 500 साल के बाद शंकराचार्य, तो 1500 हुआ। हाँ 1000 हुआ और 1000 में मोहम्मद साहब और 100 साल लगा दिए, तो 1100 वर्ष के बाद फिर इस्लाम धर्म कन्वर्ट हुआ मुस्लिम धर्म में। तो ज्यादा मजबूत धर्म है या कमजोर धर्म है? मजबूत धर्म है, उसमें फाड़ा नहीं पड़ पाया, डिग्रेड नहीं हो पाया। देवी देवता सनातन धर्म 2500 वर्ष के बाद डिग्रेड होता है। तो क्राइस्ट भी, वो क्या इस्लाम धर्म भी 1100 वर्ष के बाद डिग्रेड होता है, फाड़ा पड़ता है, विघटन होता है। तो वो तो ठीक है उस हिसाब से। फिर रहे सन्यासी, तो सन्यासी जो हैं वो महात्मा बुद्ध के कितने साल के बाद आते हैं?
250 साल के बाद क्राइस्ट, उसके 500 साल के बाद सन्यासी, तो 750 साल हुए। तो इस्लाम धर्म के मुकाबले बौद्ध धर्म कमजोर है या पावरफुल है? तो विघटन पढ़ने में कमी आनी चाहिए, टाइम कम होना चाहिए या लंबा होना चाहिए? तो 700 साल हो गए, 750 साल। उसके बाद बौद्ध के बाद सन्यासी हुए, माना सन्यास धर्म भी बौद्ध धर्म से ही निकला है, और सन्यासियों के बाद फिर सिख आए। कितने वर्ष के बाद? 1500 साल। मोहम्मद को हो गए 1600 साल उधर। मोहम्मद की तो बात छोड़ दो, अभी चल रही है सन्यासियों की बात। तो सन्यासी हुए 1500 साल पहले, और अब से 500 वर्ष पूर्व गुरु नानक आए, तो 1000 साल का अंतर पड़ गया। तो सन्यासियों से सिख धर्म में कन्वर्ट होने में 1000 साल का अंतर पड़ा। तो ये अंतर का कारण क्या हुआ? इसका मतलब सब धर्मों के मुकाबले सन्यास धर्म ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा जब सन्यासी निकलेंगे तब तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। ये सन्यासी नेवले का काम करते हैं, नकुल। नेवला जैसे सांपों को काट काट करके खंडन कर देता है, ऐसे ही ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी जिनमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी की पावर है, ये और धर्मों को जो विदेशी धर्म है उनका खंडन कर देंगे। इनमें कौन सी पावर है? प्योरिटी की पावर है, जो न इस्लामियों में है न उतनी बौद्धियों में है, क्योंकि बौद्धियों ने ये बड़ी भारी भूल कर दी। जो बौद्ध स्तूपों में, बुद्ध विहारों में स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने लगे और व्यभिचार फैल गया, तभी से बुद्ध धर्म का पतन हो गया। संसार में बौद्धियों का साम्राज्य ही खत्म हो गया। सन्यासियों की गद्दियां तो अभी भी ज्यों की त्यों जमी हुई हैं। तो जितने भी विधर्मी हैं उन विधर्मियों में सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा लंबे समय तक स्थायी रहने वाला धर्म कौन सा हुआ? सन्यास धर्म। इसलिए उसको विघटन होने में 1000 वर्ष लगते हैं। और हमारे एक बात पुष्कर का चित्र लगाया है, दूसरी बात शंकर का चित्र लगाया, तीसरा जगदम्बा का और लगवा दो। क्या बाबा से वेरीफाई कराना चाहते? हाँ? क्यों पूछा? दो दो चित्र अच्छे लगते हैं आपको, मुझे नहीं तो क्यों पूछ रहे? आप उनको अपने स्वाभिमान पूर्वक जवाब दे दीजिए, ये दो दो चित्र आपने क्यों लगाए? हमें एक चाहिए या दो चाहिए?
आपको खुद खटपट हो रही है अंदर, हाय लला कृष्ण मिलेगा कि नहीं। आपने ये प्रश्न नीचे भी पूछा था, जवाब नहीं पड़ा तो कुलबुली हुई। पलटी कैसी भाषा लिखी है, सतयुग की जो शूटिंग पीरियड है 1961 से 1976 तक, उसमें 1967 से 1976 तक द्वापर और कलयुग की शूटिंग दिखाई गई, जो सीढ़ी के चित्र में भी है। इसी तरह हर युग की शूटिंग में चार अवस्थाएं भी दिखाई गई हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि द्वापर की शूटिंग 1250 वर्ष की चार हिस्से में बांटा गया। फिर ब्रॉड ड्रामा का द्वापर और कलयुग का शूटिंग, जैसे शास्त्र बनाना वगैरह 69 से 76 तक क्यों दिखाया, शास्त्र बनाने की शूटिंग 1976 तक कैसे? बड़े में बड़ा शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता, वो तो 73 तक ही बन चुकी थी, 76 तक क्यों जोड़ दिया? चार चार वर्ष ही तो मिलते हैं 67 से लेकर के 76 तक, 73 से तो मेले मलाखड़े शुरू हो गए, 73, 74, 75, 76 वहां शास्त्र कहां बनते हैं? तो नब्बे 91 में द्वापर की शूटिंग में ये सब होना चाहिए ना, है? माने एडवांस की दुनिया में शास्त्र बनने का फाउंडेशन पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, है? पढ़ना चाहिए, तो शास्त्र नहीं बनाए गए? सच्ची गीता खंड एक और सच्ची गीता खंड दो ये नहीं निकाले गए, हैं? निकाले गए। एक त्रिपति भाई खुद पढ़ करके सुना दो, दे दो। लिखा नहीं, पढ़ के सुनाओ। लड़कियों की तरह करते चिट्ठी लिख लिख के भेजते, मुझे नहीं बोल सकते। अपनों ने लूटा पैरों में कहां दम है?
पैरों में, पैरों में कहाँ दम है? कश्ती वहाँ सुबह जहाँ पानी में पैरों में गैरों ने कहा, अपनों ने कहा, अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा, अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम। वो तो ठीक है, अपने अपने ही तो बार करते हैं, है? हाँ, कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम है, वो तो ठीक बात है, है? हाँ, अभी तो कश्ती में आपको ढेर सारा पानी मिल गया ना, अब क्यों पूछते हो? अरे पूछा तो कुछ है नहीं। महाभारत में पांडवों की जीत हो जाती है तो श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के धृतराष्ट्र के पास मिलने को जाता है, तो भीम की जगह पत्थर की मूर्ति उसके सामने रख दी जाती है, तो धृतराष्ट्र ने मूर्ति को तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? बाबा एडवांस में एडवांस माना ही, साथ में आगे आगे जाने वाले, तो रुद्रमाला पहले बन जाती है, लेकिन जब तक विजयमाला में रुद्रमाला पिरोई नहीं जाती है तब तक रुद्रमाला प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। क्योंकि बाबा ने बोला है रुद्रमाला के मणकों में पवित्रता के लंगड़े हैं, और बाबा ने एडवांस में एडवांस माना सब में आगे जाने वाले बोला है, तो पवित्रता में भी आगे जावेंगे ना, माना कुछ शंका है, है? पवित्रता की परख अकेले में होती है या दुकेले में होती है? है? तो जब दुकेले हो जाएंगे तो कौन आगे चले जाएंगे? शक्तियां आगे जाएंगी कि शंकर जी आगे जाएंगे? है? कौन आगे जाएंगे? फिर तो एवर प्योर का टाइटल शक्तियों को मिलना चाहिए। शिवशंकर भोलेनाथ को तो नहीं मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? हैं? जब डबल हो जाते हैं तो आगे निकल जाते हैं, सिंगल हैं तो सन्यासियों को पवित्रता है, वो तो झूठी होती है। बाबा किसी को पापात्मा या पुण्यात्मा कहना भी अज्ञानता है। शिव बाबा तो पापात्माओं को पुण्यात्मा बनाने आता है, तो पापात्मा से पुण्यात्मा बनना है ना, नहीं तो बाप के आने, भगवान बाप के आने का क्या फायदा होता है?
पूछा क्या है? आज की मुरली में आया है कि तुम बच्चे अच्छे या बुरा, संस्कार साथ नहीं ले जाते हो, परंतु बाबा आत्मा तो संस्कार साथ ले जाती है ना? कहाँ ले जाती है? परमधाम में है? परमधाम में आत्मा अच्छे बुरे संस्कार ले जाती है? नहीं, परमधाम की तो बात हो रही है। बाबा ने बोला कि ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चली वो सतो प्रधान थी, बाद में जब ज्ञान का विस्तार हो गया तो ज्ञान तमो प्रधान हो गया। बाबा ने बोला ब्रह्मा के मुख से मुरली चली उसे ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत तो मंथन करने से निकलता है, तो अमृत को तमो प्रधान क्यों कहा गया है? क्या समझ में आया? फिर पढ़ें। बाबा ने बोला कि ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चली वो सतो प्रधान थी, है क्यों है? इसलिए सतो प्रधान नहीं थी कि सुनने वालों को और जिससे मुख से सुनाई गई उसको पता ही नहीं चला ये वाणी किसकी है, किसकी है, है? ये पता चला कि शिव बाबा की वाणी है, शिव बाबा को पहचाना, तो फायदा क्या हुआ जो समझ में ही नहीं आया? सतो प्रधान तो तब कहेंगे जब उसमें से सत्य निकले, तब ज्ञानामृत कहा जाए, ज्ञानामृत को सत्य कहा जाता है, जैसे नींबू का सत्य निकालते हैं या कोई भी चीज का सत्य निकालते हैं। तो मंथन किए बगैर सत्य नहीं निकलता, इसलिए ब्रह्मा की वाणी जब समझ में ही नहीं आई किसी को तो सतो प्रधान कहें, तमो प्रधान कहें, क्या कहें है? जैसे शास्त्र होते हैं, शास्त्रों में बहुत बहुत अच्छी बातें भी हैं, बल्कि बाबा ने तो कहा द्वापर के आदि में जो शास्त्र थे उनमें फिर भी कुछ सच्चाई थी, सतो प्रधानता थी, परंतु रिजल्ट में वही शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हो गई है? तमो प्रधान बन गए। ऐसे ही वही ब्रह्मा की मुरलियां पढ़ते पढ़ते बीके वाले अभी भी वो सतो प्रधान मुरलियां पढ़ रहे हैं, क्या बन गए है? अल्लाह बन गए कि उल्लू बन गए? उल्लू बन गए। और सीता किसकी लड़की थी? शास्त्र में बताया गया जनक की लड़की थी। तो बाबा सीता तो घड़े से जमीन के अंदर से निकली,
इसका मतलब क्या है? जमीन से निकली तो किसकी लड़की थी? है जमीन क्या हुई और सीता क्या हुई? है जमीन क्या हो गई? माता हो गई। और सीता क्या हो गई? कन्या हो गई। तो बताओ सीता कौन और धरणी माता कौन है? बड़ी माँ हुई धरणी माता और सीता हुई छोटी माँ। सीता माने शीतल स्वभाव वाली, गुस्सा ना आए, कामेशु क्रोधेशु ना हो जाए, कोई कामना की पूर्ति ना हुई तो क्रोध में आना माना सीता का पार्ट नहीं। बाबा 12 ज्योतिर्लिंगम में से सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंगम महाराष्ट्र में है। इसका क्या राज है? है? महाराष्ट्र माने क्या? महान राष्ट्र। गुजरात माना क्या? गुजर गई रात जिसकी। सूरज कहाँ से उदय होता है? है? सूरज पूरब से उदय होता है, तो पूरब को गुजरात होना चाहिए। पूरब तो गुजरात नहीं है। गुजरात तो भारत के पश्चिम में है। तो रात गुजर गई, गुजरात को क्यों बोला? और सूर्य का जन्म पूर्व दिशा में होता है न कि यूपी में होता है? 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 पूरब में होता है। फिर भगवान ज्ञान सूर्य को उत्तर प्रदेश में क्यों दिखाया? उदय होना अर्थात प्रत्यक्ष होना, तो ये हद की बातें नहीं है, बेहद का ज्ञान है। ऐसे नहीं कि हद का महाराष्ट्र ही महाराष्ट्र है। जो महान कार्य करके दिखाएं वो ही महान राष्ट्र है, महान राष्ट्र का रहने वाला है। और है, है? हनुमान हनुमान हाँ श्रीलंका में आते हैं। हाँ जी। शिव पटिका में सीता माता को अमृत है। हाँ। तो अरे आगे भी बताओ क्या करें। बाबा गुजरात में दो बैलों की जोड़ी के साथ बैलगाड़ी में
इस बार एक माता उन बैलों की लगाम खींचती हुई चित्र में दिखाई गई है, वो किसकी यादगार है बताओ भाई? है? अरे गाड़ी क्या है? शरीर गाड़ी नहीं है, ये षष्ठी रूपी गाड़ी है। इसको चलाने वाले कौन है? दो बैल, राम और कृष्ण। कलयुग के अंत में सभी पुरुष क्या बन जाते हैं? दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो शिव बाबा आते हैं तो दुर्योधन दुशासन की लगाम किसके हाथ में देंगे? हैं? माताओं के हाथ में लगाम देंगे। जब माताओं के हाथ में लगाम आएगी तो दो बैलों का क्या हाल होगा? हैं? अरे नाथ से लगाम बंधी हुई होती है, नाक में लगाम डाली जाती है और उससे नाथ बंधी हुई होती, जिधर खींचेंगे उधर चलना पड़े। इसलिए जब महाकाली का रूप दिखाते हैं तो शंकर जी क्या करते हैं? मसट साध के सो जाते हैं। अच्छा चलो चाहे जैसा करो। तो राम ही जब ऐसा करते हैं तो कृष्ण की आत्मा तो बच्चा है, वो भी फॉलो करती है। तो समझ में आया है? क्या समझ में आया? ये कहाँ होता है? ये चित्र पहले कहाँ बनाया? बुद्धि में पहले किसकी आया है? गुजरात में आया। बाबा अज्ञातवास में पांडवों के अलग अलग नाम रखे गए, इसका अर्थ क्या है? है? अर्जुन का नाम क्या रखा है? ब्रह्मनला हिजड़ा। और युधिष्ठिर का नाम क्या रखा? है? अरे राजा के साथ जो खेलपाल करता रहता था, खुश करता था, उसका नाम क्या रखा है? जोर से बोलो। कंक माने राजा को प्रसन्न करने वाला। और भीम का क्या नाम रखा है? अरे भीम का भी कुछ नाम रखा गया ना, बल्लभ। खानसामा, हाँ खाना बनाने वाला। हाँ हाँ। और एक को घोड़ा घुड़साल सौंपी गई और एक को नहीं। अरे पूरे नाम बताओ तभी तो काम बनेगा, क्योंकि शास्त्रों में जो नाम होते हैं वो काम के आधार पर होते हैं। अगली बार पूछना तो ये सारे नाम याद करके आना, फिर बताएंगे।
अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि संदेशी ने देखा था कि सोने के फूल थे और उसमें हीरा लाल रंग का था। उसका अर्थ क्या है? सोना माने क्या होता है? सच्चाई माने सच्ची सच्ची आत्माएं जो सुख देने वाली होती हैं, उनको फूल कहा जाता है। और उनके बीच में लाल हीरा, लाल रंग किस बात का सूचक है? क्रांति का सूचक है। तो क्रांति करने वाला हीरा जड़ा हुआ था, तो हो गया रुद्रमाला का संगठन और उसमें हीरा। चलो हाँ, किसी का आदि पुरुष तो इस धरती पर आते हैं, इस धरती पर आते हैं शिव, तो ब्रह्मा बाबा बनते गए इस धरती का, हैं इस धरती का आदि, इस सृष्टि का आदि पुरुष। हाँ, 1936 में आते हैं पहले शिव, 36 में आते हैं शिव, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, 36 में ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं आते ही है। फिर उनके 100 साल कब पूरे हुए? अगर ब्रह्मा में 36 में प्रवेश किया तो 60 साल होना चाहिए। फिर की उम्र कितनी होनी चाहिए? अरे वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उनकी उम्र कितनी थी उस साल, उस 36 में है? 50 साल में कहीं प्रवेश होता है, है? 60 साल में प्रवेश होता है। शंकर भी बोला, शंकर है इस सृष्टि का आदि पुरुष, शंकर ऐसा भी बोला, यज्ञ के आदि में ऐसा एक ही के आदि में ब्रह्मा माने शंकर माने क्या क्या किया है? क्या क्या माने बता दिए? शिव माना इस सृष्टि का आदि पुरुष होता है, शंकर बोला, शिव माने शंकर बोला। अरे क्या बोल रहे हो? तीन आत्माएं पांच बजे आती है ना, ब्रह्मा की, राम वाली आत्मा और अभी पार चल रहे। अच्छा तो फिर तीनों में से राम वाली आत्मा बन के, राम वाली आत्मा वो भी ठीक है, और और दो कौन? संगम में पाठ चल रहा है अभी, संगम अपना पाठ चला है संगम में, वो संगम में पाठ राम की आत्मा का चला, और किसका चला? इन्हें डबल भर्ती कर ली क्या है? नहीं नहीं, अब कर लो डबल भर्ती कर लो। अब पता चल गया पता चल गया तुम्हें तो बिना बताए पता चल जाता।